आज दोपहर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का चुनाव, शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी ने दाखिल किया नामांकन पत्र। दोपहर से शुरू होगा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सत्र, नए प्रधानमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। ताजपोशी से पहले शहबाज शरीफ का कश्मीर राग, कहा कश्मीर मुद्दे के हल के बिना शांति मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने नहीं दिया इस्तीफा, आज नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नेशनल असेंबली की अध्यक्षता करेंगे। आज नेशनल असेंबली की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे इमरान खान, शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से किया गया था बेदखल। पाकिस्तान में इमरान खान के सभी सांसद देंगे सामूहिक इस्तीफा, पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने किया ऐलान, आज नए पीएम के चुनाव के बाद देंगे इस्तीफा। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थन में लोगों ने निकाली टॉर्च रैली, हजारों की संख्या में भीड़ हुई जमा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन, सैकड़ों लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। पाकिस्तान के बन्नू इलाके में भी विरोध प्रदर्शन तेज, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए तेज, सड़क पर उतरे इमरान के समर्थक और पीटीआई कार्यकर्ता, हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल। पाकिस्तान के मुल्तान में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी, इमरान की सरकार गिराने का किया विरोध, इमरान के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए। इमरान सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी ने किया ट्वीट, कहा आज पूरा देश इमरान खान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़क पर उतर आया है, अब प्रदर्शन रोके नहीं रुकेगा। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान की आवाम हमेशा लोकतंत्र के साथ है, पाकिस्तान अपनी अखंडता के लिए लड़ेगा। इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा पाकिस्तान में आजादी की लड़ाई फिर शुरू हो रही है, विदेशी साजिश के खिलाफ करेंगे संघर्ष। नामांकन के दौरान भिड़े पीएमएलएन और पीटीआई सांसद, प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन करने पहुंचे थे दोनों नेता। शहबाज ने शाह महमूद से पूछा आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज से कहा आपको सत्ता का नशा चढ़ गया। लंदन में सड़क पर उतरे नवाज और इमरान के समर्थक, नवाज और इमरान के समर्थकों में हुई जमकर नोकझोंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज करेंगे वर्चुअल बैठक, आपसी सहयोग बढ़ाने, जलवायु संकट समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी हो सकती है बातचीत, आज रात 8 बजे के करीब होगी ऑनलाइन बैठक। मई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान में होने वाली क्वाड शिखर बैठक में मुलाकात संभव। वॉशिंगटन में आज बातचीत की टेबल पर होंगे भारत और अमेरिका, 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका में मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच जल्द होगी बातचीत, 12 से 15 अप्रैल के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए भारत ने सेना की उच्च स्तरीय समिति बनाई है, सेना की जरूरतों के मुताबिक ड्रोन खरीदने पर फैसला लेगी कमेटी। रूस यूक्रेन युद्ध का 47वां दिन आज, यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी, घातक मिसाइलों से रूस कर रहा यूक्रेन पर हमले। मारियुपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, रूस को करारा जवाब दे रही है यूक्रेन की मिलिशिया आर्मी। रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन में पलायन जारी, अब तक 45 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ है पलायन, यूक्रेन से पलायन करने वालों में 90% महिलाएं और बच्चे शामिल। यूक्रेन के बुचा में शवों का मिलना जारी, राहत बचाव टीम ने सामूहिक कब्र से 9 शवों को बरामद किया। बुचा में अब तक 30 से ज्यादा शवों को दफनाया गया है, राहत बचाव का काम जारी। बुचा में सामूहिक कब्र के बीच प्रार्थना का आयोजन, फादर एंट्री गोलोपिन ने चर्च में प्रार्थना करवाई, चर्च के पास से निकाले गए 30 लोगों के शव। यूक्रेन से लगातार लोगों का पलायन जारी है, ओडिशा से रोमानिया पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थी, अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों ने रोमानिया में शरण ली। रूस के खिलाफ हमलों की तैयारी कर रहे पूर्वी यूक्रेन के शहर, रूसी हमलों से तबाह हुए बर्किंकोव के स्वयं सेवक कर रहे हैं तैयारी। यूक्रेन में शांति के लिए दोनेत्स्क के फुटबॉल क्लब की पहल, हमलों में घायल हुए लोगों के लिए ग्रीस में चैरिटी मैच खेलेगा क्लब। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का बड़ा दावा, कहा रूसी नेतृत्व को बताया था एक दिन नेटो में शामिल हो सकता था रूस। यूक्रेन की सेना ने पत्रकारों को तबाह हुए रूसी बेस का दौरा कराया, जमीन पर रूसी टैंक हार्डवेयर के अवशेष दिखाई दिए। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, यूक्रेन ने रूस के साथ कैदियों का किया आदान प्रदान, बंदी बनाए गए 12 यूक्रेनी सैनिक यूक्रेन आएंगे वापस। रूस को यूक्रेनी सेना का जवाबी हमला, रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया। राजस्थान की करौली में 12 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक दी गई 8 घंटे की ढील, इंटरनेट सेवाएं आज रात 9 बजे तक रहेंगी बंद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उपद्रवियों ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर किया पथराव, विशेष समुदाय के लोगों पर उत्पात मचाने का आरोप। हावड़ा में पथराव के बाद दोनों पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस ने पूरे इलाके में लागू की धारा 144, भारत पुलिस फोर्स की तैनाती।
पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी रामनवमी के दौरान हुआ बवाल। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस पर पथराव, पुलिस ने बदला था शोभा यात्रा का रूट। बांकुड़ा में हंगामे के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 17 लोगों को गिरफ्तार किया, इलाके में तनाव। गुजरात के साबरकांठा में करौली जैसी साजिश, शोभा यात्रा के दौरान किया गया पथराव, कई गाड़ियों को फूंका। साबरकांठा में दो गुटों के बीच हुए पथराव में कई लोग घायल हुए, मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों पर दागे आंसू गैस की गोली। साबरकांठा में पुलिस की गाड़ियों पर भी हुआ पथराव, शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात, फिलहाल काबू में स्थिति। साबरकांठा में हुई हिंसा पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मांगी रिपोर्ट, अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की। गुजरात के आणंद में भी रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुआ पथराव, भारी बवाल के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, पूरे शहर में धारा 144 लागू। खरगोन में उपद्रवियों ने गाड़ियों में लगाई आग, प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में लगाया कर्फ्यू। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव, हिंसा और आगजनी के बाद तनाव, उपद्रवियों ने फूंकी कई गाड़ियां, मेले में लगाई आग। लोहरदगा हिंसा में 3 लोग हुए घायल, इलाके में तनावपूर्ण माहौल, भारी पुलिस बल को किया गया तैनात, अधिकारियों ने भी डाला डेरा। जेएनयू में नॉनवेज पर छिड़ी लड़ाई, रामनवमी के दौरान कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज परोसने पर भिड़े एबीवीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता, मारपीट में कई स्टूडेंट्स घायल। जेएनयू में नॉनवेज विवाद में दोनों पक्ष में जमकर हुई मारपीट, एबीवीपी और एआईएसए ने एक दूसरे पर लगाए तमाम आरोप। रामपुर में आजम के करीबी ने की अखिलेश यादव से बगावत, कहा दरी भी अब्दुल में जाएगा, वोट भी अब्दुल देगा, जेल भी अब्दुल जाएगा। फसाहत अली शानू ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे कपड़ों से अखिलेश को आती है बदबू, आजम के मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली। लखनऊ में आज छात्रों को बांटे जाएंगे टैबलेट स्मार्टफोन, उच्च शिक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बांटेंगे टैबलेट। गोरखपुर में आज गोरखनाथ मंदिर हमले का होगा रिक्रिएशन, मुर्तजा को सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और नेपाल भी ले जा सकती है एटीएस। आज गोरखपुर कोर्ट में आरोपी मुर्तजा को पेश करेगी एटीएस, आरोपी मुर्तजा का रिमांड बढ़वा सकती है एटीएस की टीम। प्रयागराज में गर्जा बाबा का बुलडोजर, पीडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध कब्जे को ढहाया, 14 बीघा सरकारी जमीन को कराया मुक्त। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था बदमाश, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। गाजियाबाद के इंद्रमपुरम में सेंट फ्रांसिस स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन बंद रहेगा स्कूल, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सीपू हत्याकांड में आज आ सकता है फैसला, आरोपी कुख्यात कुंटू सिंह की वर्चुअली कोर्ट में होगी पेशी, कुंटू सिंह समेत 12 लोग हत्याकांड के आरोपी। यूपी के महाराजगंज में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के इंद्रमपुरम इलाके में कार सवार एक शख्स के कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, साथ ही गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में रेलवे का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य, कई ट्रेन होगी प्रभावित, आगरा झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन निरस्त। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर दौरा, आज राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में सफाई कर्मियों को बड़ी सौगात, सीएम धामी ने बढ़ाया सफाई कर्मियों का मानदेय, सफाई कर्मियों को अब प्रतिदिन 500 रुपए मानदेय मिलेगा। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लग सकती है रोक, सीएम धामी ने दिए संकेत, कहा संतों की मांग पर देवभूमि की संस्कृति के लिए उठाएंगे कड़े कदम। उत्तराखंड कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष, करण माहरा को बना गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड में कांग्रेस ने यशपाल आर्य को सौंपी गई नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, भुवन चंद कापड़ी बने डेप्यूटी लीडर। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के जंगलों में भीषण आग लगी है, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। बिहार में आज नवनिर्वाचित एमएलसी लेंगे शपथ, विधान परिषद में होगा शपथ ग्रहण, सीएम नीतीश कुमार रहेंगे मौजूद। पटना में आज लगेगा मुख्यमंत्री का जनता दरबार, सीएम नीतीश कुमार सुनेंगे लोगों की शिकायत, सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। बिहार में भोजा उपचुनाव के रण में उतरे तेजस्वी यादव, आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान के लिए मांगे वोट, कहा महंगाई से जनता का हाल बेहाल। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर का बीजेपी पर जोरदार प्रहार, कहा सरकार को अस्थिर करने का सपना नहीं होगा साकार, सरकार में नहीं है कोई मतभेद। झारखंड के झरिया में धड़ल्ले से हो रही है अवैध कोयले की तस्करी, 3 ट्रक से 30-30 टन कोयला हुआ जब्त, 2 ड्राइवर हुए गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में 50 लाख का गांजा बरामद, रांची की एनसीबी टीम करेगी मामले की जांच, आंध्र प्रदेश से धनबाद जा रहा था नशे का सामान। एमपी छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक, शहडोल में हाथियों ने जमींदोज किया मकान, धमंतरी में हाथी के हमले में एक महिला की मौत।
इंदौर में पुलिसकर्मी को पीटने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को सरेआम दी सजा, जुलूस निकालकर बुलवाया। अपराध करना पाप है। पुलिस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का गुजरात दौरा, आज अहमदाबाद में सरकारी स्कूलों का करेंगे भ्रमण। बीजेपी सरकार की खोलेंगे पोल। सुप्रीम कोर्ट में आज ड्रग्स केस में विक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर होगी सुनवाई। एफआईआर रद्द करवाने के लिए मजीठिया ने लगाई। हिमाचल के बिलासपुर में जेपी नड्डा का रोड शो। नड्डा ने विपक्ष पर किया जोरदार हमला, कहा बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां क्षेत्रीय हो गई हैं या फिर परिवार की पार्टियां। जेपी नड्डा ने शिमला के जाखू मंदिर में की पूजा अर्चना। नड्डा ने लिया बजरंग बली का आशीर्वाद, बोले जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही होंगे चुनाव। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने नागौर में ज्योतिबा फूले छात्रावास का किया उद्घाटन, कहा महिलाओं की बेहतरी के काम में जुटी है हमारी सरकार। राजस्थान के सीकर में अरावली की पहाड़ियों के वन क्षेत्र में लगी आग, वनस्पति जलकर हुई राख। राजस्थान के अलवर में शहर जहां पर चेक पोस्ट पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एक दलाल सहित ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, कार्रवाई में बड़ी मात्रा में कैश बरामद। राजस्थान की करौली की घटना को लेकर भरतपुर में तनाव। जामा मस्जिद के पास प्रशासन ने बंद कराया लाउडस्पीकर। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर भगवान राम के चल रहे थे भजन। राजस्थान के सीकर में शादी समारोह में फायरिंग, एक शख्स की मौत, दो लोग हुए घायल, दूल्हा भी हुआ घायल। श्रीलंका में बढ़ती महंगाई के बाद हालात बेहद खराब, राष्ट्रपति गोटाबाया के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। कोलंबो में संसद भवन के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की हो रही है मांग। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण का मतदान, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मारिन ली के बीच कड़ा मुकाबला। ट्यूनिशिया में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार पर प्रदर्शनकारियों ने लगाए तानाशाही के आरोप। एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर 1000 करोड़ क्लब में हुई शामिल, फिल्म ने सिर्फ 3 हफ्तों में हासिल की है सफलता। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी में परिवार के साथ साथ कई दोस्त भी होंगे शामिल, शादी के बाद होगा ग्रैंड रिसेप्शन। सोशल मीडिया में एक्टर अनुपम खेर की पोस्ट हुई वायरल, अमिताभ बच्चन, नीना बोमन ईरानी और सारिका के साथ तस्वीरें की शेयर। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी लिखी कविता, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई पोस्ट, लोगों को पसंद आई दीपिका की कविता। क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के 4वें सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, सोनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर कर जानकारी दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फैंस से मांगी माफी, मैच में हार के बाद रोनाल्डो ने तोड़ दिया था एक फैन का फोन। कोरिया ओपन सुपर टूर्नामेंट से बाहर हुए पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत, टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में दोनों को मिली हार।